Good morning, everyone. Continuing with our last lecture, 11th point, that is other reforms. Other reforms जो money market में किए गए through government and other controlling bodies, क्या थे? Abolition or reduction in stamp duty on trading in money market instruments. कि जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टैम्प ड्यूटी लगती थी जब आप उसमें ट्रेड करते थे, उसको एबॉलिश कर दिया गया. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन मनी मार्केट में. फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया गया. सेटअप किया गया सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, और इसके अलावा बहुत सारे अदर बैंकिंग रिफॉर्म्स की. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, that is suggestions for improvement of Indian money market. क्या क्या suggestions है? जो हमने weaknesses पढ़ी हैं, वहीं से जो suggestions है वो निकल के आते हैं. पहला है हमारा regulation of indigenous banking. RBI को effective measures लेने चाहिए indigenous bankers को regulate करने के लिए. indigenous bankers की जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम actually यहाँ पे refer कर रहे हैं जो भी हमारे unorganized sector में महाजन, साहूकार, इंडिजीनियस बैंकर्स, इनको हम कहते हैं. जो ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी हमारे बैंकर्स हैं, उनको कंट्रोल करे आरबीआई, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आए. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट. बिल मार्केट को डेवलप करने के लिए सीरियस एफर्ट जो है आरबीआई को करनी चाहिए. दो वो टाइम टू टाइम करती है, लेकिन फिर भी डेवलप मार्केट नहीं हुई है बिल की, तो उसके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है. देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुंडई. हुंडई एक टाइप का इंडियन, अगर हम कहें, वर्जन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. तो हुंडई यूज होता है एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में यूज होता है. अगर आप उसे स्टैंडर्डाइज कर देंगे, यूनिफॉर्म रूल्स होंगे उसके कंटेंट्स के, लैंग्वेज के रिगार्डिंग, यूसेज के रिगार्डिंग, तो प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा हुंडीज का. तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है हुंडीज का और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस हेल्प करेगा रेगुलेट करने में अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट प्रिवेल कर रहा है. देन स्ट्रेंथनिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज. प्रेजेंट वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन लोग हैं वो लोन लेने बैंकों के पास आएंगे. लोन लेने बैंकों के पास आएगा तो ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, फार्मर्स को ईजिली ऑर्गेनाइज मनी मार्केट से, इंस्टीट्यूशन से, उन्हें अपने जो वेयर हाउस में उनके गुड्स पड़ी हैं उनके लिए उन्हें लोन मिलेगा, जिसकी वजह से मनी मार्केट की ट्रांजेक्शन जो है वो इंक्रीज होंगी. देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेज. क्लियरिंग हाउसिंग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो आपको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए. प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, इंडियन मनी मार्केट के लिए ये ज़रूरी है कि नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेज को इंक्रीज किया जाए, उन्हें रीऑर्गेनाइज किया जाए इस तरीके से कि ज़्यादा एफिशेंटली फास्टर सेटलमेंट हो सके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की. नेक्स्ट इज योर एक्सपेंशन ऑफ रेमिटेंस फैसिलिटीज. एफर्ट्स करनी चाहिए कि जो अब कन्वीनियंट, सेफ और फास्ट और लो कॉस्ट रेमिटेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए जाए. मतलब कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफर करने हैं तो वो इजी हो जाए. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ वेरिएशंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उसे एलिमिनेट किया जा सके. एफर्ट्स होने चाहिए कि जो सीजनल वेरिएशंस की वजह से इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस आता है उसको एलिमिनेट किया जाए. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस हाउसेज एंड डिस्काउंट हाउसेज. एक्सेप्टेंस हाउसेज वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट. डिस्काउंट हाउसेज जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिल्स को डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी आपको देते हैं. तो जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हैं, जो एक्सेप्टेंस है, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस हाउसेज और डिस्काउंट हाउसेज वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेशन में इस्टेब्लिश किए जाएँ. नेक्स्ट इज लोअरिंग ऑफ डिस्काउंट रेट्स. जो डिस्काउंट रेट्स कमर्शियल बिल्स पे और अदर बिल्स पे है उसे रीजनेबली रिड्यूस करना चाहिए, जिससे जो बिल्स का यूसेज है वो इंक्रीज होगा और जो बिल मार्केट है वो डेवलप होगी.
देन इज डीपर पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. बैंक ब्रांचेस को रिमोट एरियाज में ओपन कीजिए, ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटीज इन एरियाज में प्रोवाइड करवाइए ताकि जो रिमोट एरियाज हैं वो भी लिंक हो सके मनी मार्केट से. देन लिंकिंग डोमेस्टिक मनी मार्केट विद फॉरेन मनी मार्केट्स, जो इंडियन मनी मार्केट है उसको लिंक कीजिए फॉरेन मनी मार्केट से ताकि जो मूवमेंट है फंड्स की इंडियन मनी मार्केट में और फॉरेन मनी मार्केट में वो हो सके. देन इसके अलावा अदर सजेशंस में आ जाता है कि प्रमोट कीजिए फाइनेंशियल लिटरेसी को, प्रमोट कीजिए ऑनलाइन ट्रेडिंग को. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिल मार्केट इन इंडिया. बिल मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बिल्स जो होते हैं. बिल इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मनी मार्केट का, दो टाइप्स के होते हैं, हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे हम कमर्शियल बिल्स कहते हैं और दूसरा है ट्रेजरी बिल्स. कमर्शियल बिल्स जो होते हैं उसे इशू बिजनेस यूनिट्स करती है. जब वो गुड्स को बाय और सोल्ड कर रही हैं, परचेज और सोल्ड कर रही हैं, तब जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो कमर्शियल बिल्स का यूज़ करती हैं. इसमें जो बायर है, जब बायर बना रहा है तो वो प्रॉमिसी नोट के नाम से जाना जाता है. वो प्रॉमिस करता है सेलर को एक की एक वो स्पेसिफाइड जो अमाउंट है एक पर्टिकुलर डेट पर उसे पे करेगा. जबकि अगर हम सेलर को देखें तो सेलर इशू करता है कमर्शियल बिल बायर को, तो जो सेलर की तरफ से होगा वो एक ऑर्डर होगा कि आपने एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करना है एक पर्टिकुलर डेट को, जो भी आपको गुड्स सोल्ड की गई हैं उसके लिए. बायर जब एक्सेप्टेंस दिखा, अब बायर जो बिल बनाया गया है उसके ऊपर एक्सेप्टेंस काउंटर साइन जब करेगा बिल के ऊपर, तब उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. जो बिल होल्डर है उसे मैच्योरिटी तक बिल अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे डिस्काउंट जो एक्सेप्टेंस हाउसेस हैं या जो कमर्शियल बैंक हैं उनसे करवा सकता है. नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसे इशू करती है. शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ड्यूरेशन उनकी 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज होती है. लेकिन जो 14 डेज के ट्रेजरी बिल्स हैं अब इशू नहीं होते और इन्हें टी बिल भी कहा जाता है. सेफ होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें इशू कर रही है. देन कॉम्पोजिशन और सिग्निफिकेंस क्या है बिल मार्केट का. बिल मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, डिस्काउंट हाउसेस, एक्सेप्टेंस हाउसेस, बिल ब्रोकर्स और अदर पर्सन्स आ जाते हैं. दो सेक्शंस बनाए गए हैं बिल मार्केट के, एक कमर्शियल बिल मार्केट और दूसरा ट्रेजरी बिल मार्केट. जो बिल मार्केट है स्पेशल पोजीशन मनी मार्केट में वो क्यों रखती है, क्यों ज़रूरत है, रीजंस क्या हैं. कमर्शियल बिल्स इम्पॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंस का जो एक बिजनेस यूनिट के पास अवेलेबल है, जिसे वो यूज़ करता है जब भी वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है गुड्स की. तो रेडी अवेलेबिलिटी क्रेडिट की वो प्रोवाइड करवाता है, तो आपको लिक्विड रिसोर्सेज को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है. जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी होती है, तो शॉर्ट टर्म बिल्स जो हैं वो हाईली अट्रैक्टिव होते हैं इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि उसके ऊपर उन्हें ज़्यादा मिलती है. देन जो बिल मार्केट है ग्रेटर इम्पॉर्टेंस है रिजर्व बैंक के लिए उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए. जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है आरबीआई बिल मार्केट के थ्रू कंट्रोल उसे कर सकती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एफर्ट्स किए कई बार बिल मार्केट को डेवलप करने के लिए, लेकिन वो सक्सेस उन्हें लिमिटेड ही मिली है. जो रिजर्व बैंक है टू स्पेसिफिक बिल मार्केट स्कीम्स वो लेके आई थी 1952 में एंड 1970 में. देन एडवांटेजेस क्या हैं आपके डेवलप बिल मार्केट के इंडियन मनी मार्केट के लिए, तो वो है सबसे पहले हैं, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज बिल्स आर सेल्फ लिक्विडेटिंग. सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब है कि बिल के ऊपर मैच्योरिटी डेट मेंशन होती है, जब मैच्योरिटी डेट हो जाएगी कंप्लीट तो जो बिल है वो अपने आप आपको जो पर्सन है जिसे पे करना है अमाउंट वो पे कर देगा. तो मतलब वो क्या हुआ सेल्फ लिक्विडेटिंग हो गई. जो डेट ऑफ पेमेंट है रिडम्पशन है बिल की स्पेसिफिक होती है. बैंक ने आपको अगर एडवांस प्रोवाइड करवाया है डिस्काउंट करके बिल को या रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल करवाया है, तो जो भी डेट ऑफ रिकवरी है बैंक एडवांस की वो बिल्स के जो स्पेसिफिक और डेफिनेट डेट है उसके अगेंस्ट हो जाती है. तो बिल को इसीलिए हम सेल्फ लिक्विडेटिंग कहते हैं किसी भी स्पेसिफिक डेट पे. देन बिल्स ऑफर ग्रेटर लिक्विडिटी, इन्हें आप सोल्ड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे पर्सन को मार्केट में अगर आपको कैश की ज़रूरत है. देन कोऑर्डिनेट्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स, एक वेल डेवलप्ड बिल मार्केट सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स आपकी सरप्लस और डेफिशिएट ऑफ फंड्स की मनी मार्केट में. जिनके पास शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स है वो बिल्स में
इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब उन्हें नीड है फंड की उसे इन कैश करवा सकते हैं। देन मोर इनकम, बिल मार्केट आपको एश्योर करती है ज़्यादा इनकम, सिंस जो कमर्शियल बिल्स हैं क्योंकि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग की फॉर्म में उस पर आपको मिलता है वो ज़्यादा होता है ट्रेजरी बिल रेट से। देन मॉनेटरी सिस्टम मोर इलास्टिक, फ्रिक्वेंट यूज अगर आप बिल का करते हो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कमर्शियल क्रेडिट या रीडिस्काउंटिंग आप बिल की करवाते हो आरबीआई से तो मॉनेटरी सिस्टम ज़्यादा इलास्टिक बनता है। देन चीपर, बिल फाइनेंस चीपर है देन कैश क्रेडिट। देन सजेशंस क्या क्या है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज रीडिस्काउंटिंग करने के लिए ट्रेड बिल्स और सिक्योरिटीज़ के प्रोवाइड करवाई जाएँ, हुंडीज को स्टैंडर्डाइज किया जाए, बेटर रेमिटेंसेस फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिंग हाउसेस को सेटअप किया जाए ताकि जो टू फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ बिल्स। देन डेवलपमेंट जो बिल मार्केट की है यूजफुल होगी बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ मनी मार्केट के लिए और इट हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग क्रेडिट ऑल्सो। तो ये था चैप्टर आपका मनी मार्केट का, जो इसके मेन क्वेश्चन इसका बनता है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट, एक्सप्लेन द मेन वीकनेसेस ऑफ इंडियन मनी मार्केट, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियन मनी मार्केट। तो इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।